हुआ बुआ जी? सब ठीक हो गया बिटिया, बस खाली तुम बैठ करके खुशखबरी का इंतजार करो। कौनो घड़ी ना अनुसुईया का चीख सुनाई दे सकता है। बुआ जी, अनुसुईया का चीख नहीं, उसका आखिरी चीख सुनना है और फिर उसके बाद पूरा दुनिया में शांति छा जाएगा। एकदम तूफान के जाने के बाद वाला शांति। और फिर रोज रोज का चिक चिक भाजी से ना हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहां वो मनहूस अनुसुईया का साया भी ना हो, जहां सिर्फ हम और हमरे बाके जी हो। बुआ जी, इतना टाइम हो गया, अभी तक उसका चीख काहे नहीं सुनाई दिया? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आयरन में करंट ही ना आया हो? अरे बिटिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और का है ना कि बचपने से हम बिजली का छोटा मोटा काम करने में बहुत माहिर थे, समझी? और का है ना कि जो अर्थिंग का तार है ड्रेस को बॉडी से सटा दिए हैं हम। अब तो करंट आने से ना कोई यूँ नहीं रोक सकता है, सही में। लेकिन हम सोच रहे हैं, एक मिनट वैशाली, एक मिनट बिटिया। लोटा लाइट है या नहीं है तो करंट कहां से मारेगा? हाँ, बुआ जी, हमको तो लगता है हग भी अनुसुईया का ही साथ दे रहा है, लेकिन हम ना उसके भाग्य को भी बदल के रहेंगे। बुआ जी, तब तो उसका किस्सा खत्म हो जाना चाहिए था ना, अब तब तो उसको करंट लग जाना चाहिए था। जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तो उसको बिजली का जोर का झटका लग गया हो और उसके हलक से ना उसकी आखिरी चीख भी ना निकली हो? सही कह रही है बिटिया, ऐसा हो सकता है। काहे कि बिजली से जो एक बार चिपक जाता है ना, पल भर में तो उसका किस्से खत्म हो जाता है। तो चलिए ना, तनिक अपनी आंख से देख के आया जाए। जी, क्या हुआ बुआ जी? आप दोनों इतने घबराए हुए काहे हैं? नहीं नहीं, हम काहे घबराएंगे, तो हम ये देखने आए थे कि कपड़वा प्रेस हुआ है कि नहीं। अच्छा, अभी नहीं की हो, कोनो बात नहीं, आराम से कर देना, हम फिर आ जाएंगे, ठीक है। अरे रुकिए बुआ जी, अफसोस तो बहुत हो रहा होगा आप दोनों को। सच कहें तो अफसोस हमको भी बहुत हो रहा है। काश कि हमको करंट लग जाता और हम मर जाते, काहे कि हमारी मौत आप दोनों की तबाही का कारण बन जाती। नहीं समझी ना बुआ जी? रुकिए, हम आपको विस्तार से समझाते। है ना, यहाँ आने से पहले हमारा छठा इंद्रिय हमको सचेत कर दिया कि अनुसुईया जहाँ जा रही हो ना, वहां बड़ा संभल के जाना, कोनो न कोनो हादसा हो सकता है। इसीलिए हम कोर्ट में एगो एफिडेविट फाइल करके आए हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमरे संगे कोनो हादसा हो जाता है तो उसको हत्या समझ के उसका जिम्मेदार आप दोनों को समझा जाए। इसीलिए अगर आप दोनों को अपना गर्दन फांसी पे झूलने से बचाना है ना, तो हमरा लंबी उम्र का प्रार्थना कीजिए। वो कहा है ना कि अगर हमको एगो खरोच भी आए ना, समझ रही है ना बुआ जी हम क्या कहना चाहते हैं। दुश्मनी करो तो बड़े शौक और तबीयत के साथ करो, ताकि दोस्त बनने पर शर्मिंदगी ना महसूस हो। लेकिन वैशाली, तुम तो बेशर्मी का हद ही पार कर दी। ऐसा करके तुम बिल्कुल अच्छा नहीं की वैशाली। हम तुमको बताएंगे कि स्प्रिंग को ज्यादा टाइट करने का नतीजा क्या होता है, दुश्मनी कैसे निभाई जाती है, ये तुमको हम बताएंगे वैशाली। देख ली ना बुआ जी, आप लोग अनुसुईया को कितना सीधा समझते थे, उतनी ही वो महाघाग निकली। महाघाग हम लोग डाल डाल तो वो पात पात। अरे भाग्य मनाओ कि अनुसुईया को करंट नहीं लगा, नहीं तो आज ना हम दोनों नहीं बचते। अरे भगवानों नहीं बचाते हम लोग को। एक घर गृहस्थी वाली औरत है हम। अरे हम ऐसा कोनो काम नहीं करेंगे ना जोना के लाल कोठी में जाके हवा खाना पड़े हम लोग को। ना ना वैशाली, कोनो और रास्ता सोचो तुम। ये जान जून लेने वाला, खून खराबा करने वाला काम हमरा से नहीं होगा बाबा। ना का बुआ जी, अब तो साफ अधिकारी जी निकली। उसने आपको थोड़ा सा धमका कर दिया, आपका तो खून ही जैसा सूख गया हो। तुमको जो सोचना है ना वो सोचो। हम बुआ जी, आप भी तो हमको समझाया करती थी ना कि अगर स्वर्ग की इच्छा रखती हो तो मरने से का डरना। फिर आज आप कितना काहे डर गए कि मारने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार रहो। बस महाकाया, अरे तुम इतनी बुड़बक कब से हो गई जी? अरे हमको तो लगता है कि अपने साथ साथ हमको भी हथकड़ी लगवा के दम लोगे। अरे हम कहते हैं ऐसी कौन सा पर्सनल दुश्मनी है अनुसुईया के साथ, वैशाली के साथ मिलकर तुम उसका मर्डर बेटी की तरह मानते हो। और बेनी बाबू से एक पान दो टुकड़े का रिश्ता है। अरे यही नाते तुम्हारी लड़ाई अब हमारी लड़ाई हो गई। अरे तुम्हारा साथ देने का ये मतलब नहीं तुम महाकाया को पूल जुलूल उकसाती रहो। बाप रे बाप, तुम मर्डर करने को सोचने लगी? हाँ, हम आपसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं फूफा जी। हम अपनी खुशी के लिए आप लोगों की खुशी छीनना नहीं चाहते। अरे हम तो बस इस घर की खुशी का सपना सजाए बैठे हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि जैसे ही हमारी शादी संपन्न होगी वैसे ही हम बुटली और वरुण भैया की शादी का चक्कर भी चला देंगे अपने बाबूजी से मिलकर। जानते ही है ना कि अगर हम बाबूजी से कौनो बात कहेंगे तो वो हमारी बात नहीं टालेंगे, और अगर हम चाह लें तो ये शादी होगी, और अगर हम ना चाहें तो ये शादी ना 7 जन्म में भी नहीं हो पाएगी। वैशाली को ना वरुण और बुटली का शादी का प्लान पता है। अरे वैशाली बेटा, अरे तुम रोने कहाँ लगी जी? अरे हम लोग तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे थे ना। देखो बेटी, जान जून लेने से समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, उल्टा तुम बड़ी डिफिकल्टी में पड़ जाओगी, समझी? अरे महाकाया है ना तुम्हारी बुआ, और हम सब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वाकई से शादी ही ना करना चाहती हो? हाँ तो ठीक है, जाओ। आज हम तुमको जुबान देते हैं कि वाकई से हर हाल में तुम्हारी शादी हो। अगर नहीं हुई तो मां काली की कसम हम अपनी मूंछ मुड़वा देंगे, समझी? अब देखो, रोना बंद करो। हाँ हंसो। हाँ। अपनी बेटी के ब्याह पर आफत पड़ा तो कैसे आ गए छठ से रास्ते पे? अगर हमरा शादी हमरे बाके जी के साथ नहीं हुआ ना फूफा जी, तो आप अपना मूछ का अगर अपना सर भी कटवा लीजिएगा ना तो हमरे लिए कम ही होगा। हम आपका छटपटाहट और बेचैनी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे बेचैन होने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ बचा है? कुछ दिनों में देखते ही देखते हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। बेचारा वो वरुण है, अनसुया का अपना सगा भाई नहीं होने के बावजूद भी बाप से उसके अधिकार और हक के लिए लड़ रहा है। और एक हम है जो अपने हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। कीड़ा पड़ी है वैशाली के देह में, वहाँ हमारे वरुण जी को पिटवा रही है और यहाँ अनसुया भाभी का जान लेने का कोशिश। वैशाली क्या करना चाहती है अनुसुईया के साथ? बोलो पुटली, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। वैशाली क्या करना चाहती है अनुसुईया के साथ? या भैया, मम्मी और वैशाली मिलकर अनुसुईया भाभी को मारने का प्लान बना रही है। लोग उनको जहर देना चाहती हैं, बिल्कुल से करंट लगा के मारना चाहती हैं। वो लोग अनुसुईया भाभी को नहीं छोड़ेंगे। अरे आइए मैम, आइए बैठो। हाँ बैठो ना। महाकाया, बताओ ना भैया जी को। आप पूछिए ना। अरे हम कहता हूँ भाई कि आप लोग बात को बैडमिंटन के रैकेट के जैसा ई कोर्ट से ऊ कोर्ट से ई कोर्ट क्या कर रहे हैं, ये आप और तुम का बात छोड़िए। ए मेहमान, आप ही बताइए ना क्या बात है, बोलिए ना। मेहमान, अरे महाराज ऐसे क्या देख रहे हैं जी? देखिए मेहमान, आप ऐसे देखते हैं ना तो हमारा जान जो है एकदम से अटक जाता है।